स्वागत है आप सभी का आज के इस क्विज कंपटीशन में। यहाँ पे क्लास 9 के बच्चों के साथ आज हम लोग यहाँ पर सिविक्स का क्विज आगे बढ़ाएंगे और ये राउंड 10 हो गया है क्लास 9 के बच्चों के साथ उदय क्लासेस में। यहाँ पर आज क्विज जारी है, तो चलिए बात करते हैं। अंबुज जी, आपका सवाल है, सवाल को ध्यान से सुनना है और जवाब ध्यान से देना है। बताएंगे, वह कौन सा देश है जहां महिलाएं सन 2015 तक मताधिकार से वंचित थी? सऊदी अरब। बहुत बेहतर जवाब, आगे बढ़ेंगे। बताएंगे, जिम्बाब्वे के निम्नलिखित में मतलब कौन जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे जिन्हें सन 2017 में राष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया था? रॉबर्ट मुगाबे। किस देश से आंग सान सू की का संबंध था? म्यांमार। ध्यान से सवाल सुनेंगे और ध्यान से जवाब देंगे। सरकार का वह रूप जिसमें देश पर लोगों के द्वारा शासन होता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। आंग सान सूची को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नोबेल शांति पुरस्कार। लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करता है? जनता। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास। जवाब को स्पष्ट रूप से देंगे, अच्छे से बोलेंगे। सुमित जी, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थाई सदस्य हैं जिन्हें वीटो का अधिकार है? 5। म्यांमार में किस तरह की सरकार थी? सेना का शासन। सैनिक शासन अथवा राजतंत्र किस प्रकार के शासन हैं? अलोकतांत्रिक। यूएनए का कौन सा अंग देशों के बीच शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? सुरक्षा परिषद। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किनके द्वारा कही गई है? अब्राहम लिंकन। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 192। 1999 में पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट का नेतृत्व किसने किया था? परवेज मुशर्रफ। जिस शासन प्रणाली में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र। बताएंगे, चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? कम्युनिस्ट पार्टी। जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? 1980। कौन बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है? लोकतंत्र। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं? 15। क्या लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को बढ़ाता है? नहीं। उस नेता का नाम बताएं जिसने जर्मनी में तानाशाही सरकार लाने का प्रयत्न किया? हिटलर। ध्यान से सवाल के जवाब बढ़ाते चलेंगे। दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो इसके लिए क्या आवश्यक है? अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र। यस। बताएंगे, कौन सी शासन प्रणाली लोगों के सम्मान को बढ़ाता है?
कौन सी शासन प्रणाली लोगों के सम्मान को बढ़ाता है? लोकतंत्र। किस प्रकार की शासन व्यवस्था लोगों के प्रति अधिक उत्तरदायी होती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतंत्र में शासन किसके हाथों में होता है? जनता के। तो यहाँ पर राउंड 10 के आगे क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में बढ़ाएंगे।